जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे में,
देशभक्तों की खून की वो धारा याद करें। कुछ नशा तिरंगे की आन में है, कुछ नशा मातृभूमि की मांग में है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान है। Thank you.
स्थान श्री कक्षा 11वीं पर की छात्रा आप सभी के समक्ष इस उपलक्ष्य पर कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक शुभ अवसर है। भारत का स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही खुशी का दिन है और इतिहास में हमेशा रहेगा। हम भारत की आजादी का पहले दिन यानी 15 अगस्त को याद रखने के लिए हर साल इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ पर मैं उन वीरों को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि आओ आजादी की कभी हम शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत का आंचल नीलाम न होने देंगे। भारत की आजादी के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने आवाज उठाई। उसके बाद कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। हम भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद के बलिदानों को कभी नहीं भुला सकते जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए जवानी में ही अपनी जान गंवा दी। हम सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के संघर्षों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। गांधी जी एक महान भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का एक बड़ा सबक सिखाया। गांधी जी अकेले थे जिसने अहिंसा की मदद से स्वतंत्रता पाने के लिए भारत का नेतृत्व किया। आखिरकार लंबे वर्षों के संघर्ष का परिणाम 15 अगस्त 1947 के रूप में सामने आना जब भारत को आजादी मिली। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें शांति और खुशहाली की भूमि दी है जहां हम बिना डरे रह सकते हैं और पूरे दिन हमारे देश में आजाद पक्षी की तरह आनंद ले। हमारा देश प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल, वित्त और अलग अलग अन्य क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और जो स्वतंत्रता से पहले शायद असंभव था, भारत परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में से एक है। हम ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार चुनने और दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का आनंद लेने का हमारे पास पूर्ण अधिकार है। हाँ, हम स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से आजाद हैं। हालांकि हमें अपने देश की जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हमेशा अपने देश में किसी भी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं अपने कुछ स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। क्यों तो 72 वर्षों से आजाद हैं हम, क्यों तो 72 वर्षों से आजाद हैं हम, परंतु फिर भी अनेक बेड़ियों में बंधे हैं। जातिवाद की, धर्मवाद की, रूप रंग वाद की, इन्हें हमें ही तोड़ना है। इन्हें हमें ही तोड़ना है, नया भारत वर्ष जोड़ना है। हम युवा पीढ़ी हैं, हम सब कर सकते हैं। हम युवा पीढ़ी हैं और हम सब कर सकते हैं। अरे आन बान शान है हम इस देश की, सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। हम ज्ञान हैं, विज्ञान हैं, नई तकनीक है, हम नई सोच हैं, हम इस देश की और ये हमारी जान है। हम इस देश की और ये हमारी जान है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, हम नया भारतवर्ष बनाएंगे, हम नया भारतवर्ष बनाएंगे। ये सलामी इस तिरंगे को, ये सलामी इस तिरंगे को जिससे तीन शान है, जिससे तीन शान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक तेरे दिल में शान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
थोड़ी सी धोकने वाली धक 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 सांस चिन्ह हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोहे तू रंग दे बसंती यारा मोहे तू रंग दे बसंती मोहे 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 रंग दे साथ यही तक था ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू राष्ट्रीय स्तर पर
रोक के स्थिति थी कनिका एक वोट में दो सीटें पहले लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया कनिका उसके बाद वन वोट का टू सीटर मैडम कनिका इसके बाद निधि आर्या रोक स्थिति में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये सारी प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर पर हुई है जिसमें केंद्र जल संगठन के पूरे रीजन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मापी रोक स्थिति में एक गोल्ड दो सिल्वर और फिर रोक स्थिति में काफी सेकेंड का गोल्ड मेडल आप भारत रोक स्थिति के स्थिति में गोल्ड मेडल हमारे मेडल सपना है कि हर कोई
नीचे बैठ जाओ सब, बेटा बता दे नीचे।